अभी फिलहाल तो हम हैं इक्सुम पे, और यहाँ से हम गोचिला ट्रैक के लिए जाएंगे, और आज लगभग हम 16 किलोमीटर हम कवर करेंगे। जगह का नाम क्या था आज जहाँ हम रुकेंगे रात को? सोका। सोका। हाँ, सो आज हम सोका जाएंगे और सोका में रुकेंगे रात। और ये है हमारा ट्रैक मेंबर, इंट्रोडक्शन दे दो। शिरिंग तामंग। अच्छा, और ये हमारा गुरुजी सुनील गुरुंग। और ये हमारा भाई, नाम क्या बताओ? रिगदन। 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 और ये हमारा गाइड, हमारा सबसे अच्छा भाई दवा। दवा भाई, दवा भाई। और इनके बिना हम लोग अभी कहीं पे हो गए होते। और कितना समय लगेगा यहाँ से सोका? ये कौन सा ब्रिज है? झूलसे। झूलसे। और कैसा लग रहा है भाई? ये ट्रैकिंग का आइडिया किसका था? भाई लोग, इजी ट्रैक नहीं है भाई, गलती से मत आ जाना अगर आप लोग बिगिनर हो। वो प्रोफेशनल है, हिमालय भी चढ़ चुका है 2 बार, पर आधे रास्ते से वापस आया। और शेरिंग भाई, और हमारा गाइड तो एक्सपर्ट है। अभी तो कितना बार हो चुका होगा तुम्हारा ट्रैकिंग? साल में। हाँ, साल में दो ही बार। दो ही बार। और कब से कर रहे हो गाइड? 3 साल। शब्दहरूले लेखेको यो गीतमा गाए, म आफ्नो संसारमा भुलि गए। और हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन सोका। वो ऊपर अभी मिनिमम 4 घंटे लग जाएगा। चलो चलते हैं फिर। तो बना को समुद्र मालारामा बगी गए, अंधकार को शून्यतामा भी। जो आप देख रहे हो ये ट्रैक रिच, ट्रैक ये नदी का नाम है, और ट्रैक चू चू मतलब वाटर। तो ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं वो है ट्रैक चू, और ये ब्रिज ब्रिज। और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन जो है सोका, जहाँ पे हम लोग आज हॉल्ट करेंगे। वो लगभग यहाँ से 3 घंटा लगेगा हमें, और वो काफ़ी ऊपर हाइट है। और यहाँ से जो रास्ता आप देख रहे हो एकदम स्टीप है, तो हमें लगभग लग जाएगा मिनिमम 3 आवर्स टू रीच आवर डेस्टिनेशन दैट इज सोका। एंड ऑफ द डे हम पहुंच चुके हैं सोका, और ये है हमारा कैंप जहाँ आज हम रात रुकेंगे। तो आज हमारा ट्रिप का सेकेंड डे है, कल हम लोग रुके थे सोका पे,
और आप लोग देख रहे हैं कि ये छोटा सा पॉन्ड है, सोका सोका, सो मतलब एक पॉन्ड और एक लेक और वाटर बॉडी, और काका मतलब है विच डजंट ड्राई अप। और इस जगह का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे बहुत साल पहले टिबेटन सेटलमेंट हुआ था, तब ये चाइनी सर्विस हुआ था टिबेट में, तो टिबेट के कुछ लोग यहाँ पे सेटल हुआ था, तो उनके आने के बाद किंग के साथ, सिक्किम का किंग के साथ एक ट्रीटी हुआ था कि ये लोग यहाँ पे रहेंगे और जो किंग का याक था उसको रियर करेंगे। सो दिस इज सोका, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जोंगरी विच इज अबाउट 4200। और ये रोडेंड्रोन का पेड़ आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ जोंगरी जाते वक्त। सेकेंड डे का ट्रैक कैसा लग रहा है? कल से भाई थोड़ा इजी है, कल से इजी है, थोड़ा है, कितना इजी है? बैक थोड़ा खाली भी है ना आज, वो कवर करने में किलोमीटर भी कम है, 10 किलोमीटर है कल, तो हमने 16 किलोमीटर पर, यहाँ से हाइट ज़्यादा है ना, हाइट ज़्यादा है, थकता जल्दी है, आराम से जाएंगे, आराम से पहुंचेंगे। जीवन को अर्थ यो यात्रा में उत्तर को खोज में नबी सुली आगे बढ़ो ना आफुलाए मांगे को के चाहे को के बुझेरा पाइला सारो न यो हावालाई लिएर के म अघि बढ्छु आफूलाई गुमाई तिमी। सो हम पहुँच गए जोंगरी एट द एंड ऑफ द डे, ये हमारा दूसरा दिन है ट्रैकिंग का, और हल्का हल्का स्नोफॉल भी होना शुरू हो गया। तो ये है हमारा हट जोंगरी में, जहां हम आज रात रुकेंगे। बाहर देखो आपको याक और घोड़े भी दिखाई पड़ेंगे। और बताओ सर, आपका तबीयत कैसा है? कैसा है तबीयत? सिरदर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है? ट्रैकिंग करेगा, व्हाइट बॉगर बनेगा, व्हाइट बॉगर बनना इतना इजी नहीं होता है। सो आफ्टर हाइकिंग फॉर अबाउट 1.5 आवर वी हैव रीच्ड दिस beautiful place. So while hiking, all of a sudden we came to this place. There is a dried up lake. Okay, अहिले हामी यति दामी जग्गामा आइपुगिरहेको छौँ हो, जङ्गलीबाट झन्डै हामी 1.5 घन्टा हिँड्यौँ, अनि यहाँनिर 2-3 स्पटहरू चाहिँ एकदमै दामी, हाम्रो गाइड हाम्रो भाइ दावा भाइले चाहिँ अहिलेसम्म रेकर्डहरूलाई यसरी लगेको थिएन रहेछ, अनि
मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो कि यो भाइले चाहिँ हामीलाई एकदम अनएक्सप्लोर्ड एकदम क्या त्यति दामी जग्गामा ल्यायो. एकदमै खुसी लाग्यो कि उसलाई मैले भेटेँ. आफ्टर वर्किङ फर अबाउट 2.5 hours फ्रम जङ्गली अहिले हामी अर्कै स्पटमा पुगेको छौँ र दिस इज चार माने देखिरहनु भएको छ. चारवटा माने छ यहाँ पर चारवटा. अनि हाम्रो गाइड दवा डाँडामा चिल गरिरहेको छ, मजा आइरहेको छ. अनि यस पछाडि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई अर्को स्पटमा लानेछौँ. त्यो हो भाइ पोखरीको नाम के पा अब आउने लक्ष्मी पोखरी. लक्ष्मी पोखरी, यस लक्ष्मी पोखरी लानेछ यस आफ्टर दिस. हुन्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दै होला, हामीलाई ओभर मजा आइरहेको छ. र अहिले हामी झन्डै 3 घन्टा जस्तो हिँडेर चाहिँ हामी 2 स्पटहरू पुगेर अहिले यहाँ हामी एउटा सानोबाट लेकमा, सानोभन्दा ठुलै लेक छ यो, तर यो वेदरले गर्दा एकदम भिजिबिलिटी घटेको छ र एकदम गम्भीरहेको छ. यो लेकको नाम चाहिँ तपाईँको हो लक्ष्मी लेक. लक्ष्मी लेक र यहाँ टेम्परेचर सायद माइनस चलिरहेको छ. र हामीले सोचेको छौँ कि यो लेक एक टक्क लाउँ भनेर हेरौँ सक्छु कि सक्दैन. गुड मर्निङ. अहिले हामी जङ्गली टपमा छ अनि जति पनि पिक्सहरू देख्नु थियो अनफोर्चुनेटली वेदरले साथै दिएन. र एटलिस्ट हिजो हामी आएको थियो अगाडि दिन हामीले साउथ कपुर, ब्ल्याक कपुर अनि यता पान्दिम कञ्चनजङ्घा देखेको थियो, तर आज हामीले देख्नु पाएन. तर पनि हिजो हामीले यो जग्गा डल्लै यो दोरिङ डल्लै एक्सप्लोर गऱ्यौँ हामीले. तल तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो दोरिङ दाङडुङ हामी हिँड्यो, तपाईँहरू हिजो हामी देखाएको थियो लेकहरू थियो तल. अनि चारमानी यता चारमानी त्यहाँदेखि यहाँदेखि अझ माथि तपाईँले लास्ट देख्नुहुँदैछ त्यहाँनिर लेक थियो लक्ष्मी लेक. हिजो हामी त्यहाँसम्म पुगेको थियो अनि थाङसिङ चाहिँ तल रहेछ. होपफुली नेक्स्ट टाइम हामी फेदाङबाट यता थाङसिङ गएर हामी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सिजनमा हामी गोचला पुग्छौँ. तर आज हामी तपाईँहरूलाई के देखाउन पाएन, पान्डिम पनि यता हो, पान्डिम एकदम वेदरले गर्दा देख्नु पाएको छैन. देउराले यता हो, आज हामी फर्किँदैन जाँदाखेरि यता देख्छ देउराले बास ठिक गरेको. अरे ठिक है. जल्दी गर, ब्याट्री खत्म हुने होला. बहुत मजा आया था दिन बीते में, लेकिन व्यू नहीं मिला. सबसे यादगार क्या पल होगा आपका? यादगार वो नीचे रास्ता लंबा रास्ता ना, वही यादगार होगा. कभी भी नहीं भूलेगा वो रास्ता. मजा आया. अच्छा था ट्रिप, लेकिन वो रास्ता ही डिफिकल्ट था. ऊपर चढ़ाई. घर जाके क्या मिस करेगा सबसे पहले? वहाँ का सुन्दरता, हिमालयका सुन्दरता, पहाडका सुन्दरता. ट्रेकको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो यो एन्टायर ट्रेकको कुरा गर्दा मेरो बेस्ट पार्ट चाहिँ थियो द एन्टायर जर्नी, त्यो 4 दिनको हिँडाइ. अभाग्यवश हाम्रो के प्रब्लम भयो, प्रब्लम पनि होइन, हाम्रो
लक लक पनि भन्दिनँ म हाम्रो के भन्नु अब त्यस्तै थिएछ माथि पिकमा अब जङ्गल पिक पुगेर हामीले त्यो पिक्सहरू हेर्नु पाएन तैपनि त्यहाँ पुग्नु नै मेरो लागि एउटा म चाहिँ के भन्छु भने मेरो लागि एउटा अचिभमेन्ट थियो अनि म मेरो साथीहरूसँग भाइहरूसँग त्यहाँसम्म पुग्नु पाएँ सायद म यो ट्रिप म कहिले भुल्दिनँ अनि धेरै कुरा सिकेको पनि छु कसरी प्रिपेयर भएर जानु फिजिकली कसरी फिट हुनु किन फिट हुनु पर्दो रहेछ मेन्टली किन प्रिपेयर हुनु पर्दो रहेछ यो चिजहरूको लागि चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्नु पाएँ यो ट्रिपमा अन्त यो लकडाउन अगाडि लकडाउन जब हुँदै थियो त्यति बेला मैले यो ट्रिपको बारेमा धेरै रिसर्च गरेँ पढेँ अनि मलाई धेरै आउनु मन लागिरहेको थियो यो ट्रिपमा अनि थ्याङ्कफुली मेरो साथी क्यामराम्यान बोरो राजु बोरो ऊ पनि उसले पनि टाइम निकाल्यो किनभने यो ट्रिप अगाडि पनि हामी सन्दकपू फालुतहरू गएको थियो अनि योपालि पनि हामीले टाइम निकालेर आफ्नो अलिकति बजेटहरू यताउता मिलाएर हामीले यो ट्रिप सक्सेसफुल गऱ्यौँ हामीले दो वी मिस्ड आवर फ्रेन्ड्स मयूर एन्ड नमित हु माइट बी वाचिङ दिस फुटेज राइट नाउ अनि तैपनि मेरो अरू साथीहरूसँग भाइहरूसँग छिरिङ मेरो साथी अनि रिगदेन मेरो दाजुको छोरा अनि हाम्रो एकदमै दामी मान्छे दावा भाइ हाम्रो गाइड एन्ड ट्राई ट्रिपको सायद ऊ नभए हामी कहीँ माथि डाँडातिर हराउँथ्यो होला यो चाहिँ 100% स्योर हो यो त मेरो अरू साथीहरूलाई सोध्दै हुन्छ ट्रेक पार्टनर्सहरूलाई ऊ नभए चाहिँ हामी हराउँथ्यौँ नि किन